आज मैं लाई हूँ फ्रेंड आपके लिए बेसन का लड्डू। हाँ फ्रेंड, बेसन का लड्डू। आप हलवाई जैसा बिल्कुल परफेक्ट लड्डू मिनटों में बना के तैयार कर सकते हो। फ्रेंड, आज जो हमने लड्डू ये आपके साथ शेयर किया है, बहुत ही टेस्टी लड्डू है और ये देसी घी में पका हुआ है, तो आप इसे मिनटों में बना सकते हो। फ्रेंड, बहुत ही देखो सॉफ्ट है ये लड्डू, और इसे आप बच्चों को खिला सकते हो। कभी भगवान को चढ़ाना भी होता है ना, तो हमें क्या होता है कभी कभी हम मार्केट नहीं जा पाते हैं, तो इस तरह से आप घर में बना सकते हो। तो बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला INDE चैट में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स बेसन का लड्डू बिना चाशनी का। बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, बनाने के लिए हमने एक लिया कढ़ाई और गैस को जला लिया है। कढ़ाई को चूल्हे पे रख लिए हैं फ्रेंड्स। इसे क्या करना है, कढ़ाई को गर्म करना है। अब इसके अंदर डालेंगे देसी घी। फ्रेंड्स, घी हम लेंगे 2 टेबल स्पून, कम बेसी और होगा तो हम इसके अंदर और घी ले लेंगे। घी को क्या करना है, पहले गरम करना है। तो फ्रेंड, घी हमने डाल लिया है, बेसन भी डाल लेंगे। तो बेसन हम लेंगे 2 कटोरी। बेसन को डाल लेना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे, यानी लो रखेंगे। लगातार चलाते हुए बेसन को भूनेंगे। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए ब्राउन होने तक बेसन को भून लेना है। तो फ्रेंड, देख पा रहे होंगे बेसन का कलर चेंज होने लगा है। 4 से 5 मिनट हो गया है बेसन को भूनते हुए। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए बेसन को भून लेना है। इस तरह से आप लड्डू बना के महीने तक स्टोर करके आप खा सकते हो फ्रेंड्स। जब भी आपका मन करे आप इस तरह से मिनटों में लड्डू बना के रख सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो। जो हमारा घी हमने डाल रखा था बेसन के अंदर, वो अभी छोड़ने लगा है, कलर भी हमारा चेंज हो गया है। लगभग इसे हम 10 मिनट तक भून चुके हैं बेसन को। इसी तरह लगातार चलाते हुए भूनना है। जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था 2 कटोरी, उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी इसके अंदर घी लिया है। देसी घी है फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी है ये लड्डू। आप इसमें लड्डू के अंदर अपने मन पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो। तो फ्रेंड, देख पा रहे होंगे लड्डू का कलर बिल्कुल भी चेंज हो गया है। अब इसके अंदर डाल लेंगे हम चीनी। तो फ्रेंड, आप मीठा अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हो, कमी या ज़्यादा। तो हम चीनी पाउडर डाल रहे हैं इसके अंदर, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगातार चलाते हुए मिला लेना है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड, देख पा रहे होंगे इसे ठंडा कर लेंगे। आपको अगर कलरफुल खाना है तो इसके अंदर आप कलर यहाँ पर ले सकते हो। अब इसे ठंडा करके हम बांध लेंगे लड्डू को। अब यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट लेना है इसके अंदर आप डाल सकते हो। आज हम बिना ड्राई फ्रूट का बनाएंगे बिल्कुल हलवाई जैसा लड्डू। अब इसे बांध लेते हैं ठंडा करके। ठंडा करके फ्रेंड हम लड्डू को बांध लिए हैं। थोड़ा सा हमने बेसन निकाल लिया था, उसमें चीनी मिला लिया है, और देख पा रहे होंगे हम एक एक लड्डू को इसके ऊपर लपेट रहे हैं बिल्कुल हलवाई जैसा दिखने के लिए। तो आप बिना कलर का इस तरह से लड्डू बना सकते हो फ्रेंड्स घर में। बहुत ही ये लड्डू सॉफ्ट है। एक बार नहीं, हमने 2 बार 3 बार एक तोड़ के लड्डू को दिखाया है। एक बार इसे ज़रूर बनाना फ्रेंड्स, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बार में ही आपका परफेक्ट लड्डू बन के तैयार होगा। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना ये हमारे लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। इसी तरह से हर एक दिन आपके साथ मिलते रहेंगे नई और टेस्टी रेसिपी के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।